हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना यादव स्टिचिंग बुटीक। मैं हूं भावना। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूं आपसे इस क्यूट से बैक की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। ये मैंने पुरानी मैनजिन से बनाया है एंड फ्रेंड्स, मैंने इसमें अंदर दो पॉकेट भी लगाई हैं एंड मैंने ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है कि कैसे हम एक क्यूट सा बैग बना सकते हैं पुरानी मैनजिन से। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास पुरानी जींस है जिससे हम बैग बनाएंगे। इस जींस को हम ये जो हार्ड पोर्शन है इसका निकाल लेंगे इसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी बैक की कटिंग कैसे करनी है हमें। तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये जो इसकी किनारी है, ये जो हार्ड पोर्शन है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, हमने अपनी जींस के दोनों पोर्शन अलग कर लिए। लेग पोर्शन, एक पोर्शन हमारा ये है एंड एक पोर्शन ये। एक पोर्शन को हम साइड में रख देंगे। एक पोर्शन में से हम बैक की कटिंग करेंगे और एक में से हम स्ट्रैप निकालेंगे, पट्टियाँ। इसे हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बैग की कटिंग कर ली है। मैं आपको बता देती हूँ उसका मेजरमेंट। हमारी जो बैग की लेंथ है वो है 12 इंच, जो इसकी लंबाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 14 इंच। ये मैंने दो पार्ट कट किए हैं बैग के, ये देखिए, और इसी साइज़ के मैंने दो अस्तर भी कट किए हैं जो हम बैग के अंदर लगाएंगे। ये भी सेम मेजरमेंट का है, इसकी चौड़ाई भी 14 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच। एंड ये हमने अपनी चैन के लिए पट्टी कट करी है जिसमें हम चैन लगाएंगे। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई आपको इतनी ही लेनी है जितनी आपने बैग के लिए, 14 इंच है तो 14 इंच की ही पट्टी है ये। और ये पट्टी हम इसके चारों तरफ घुमाने वाले हैं बैग के अपने, ऐसे करके। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत लगती है उतनी पट्टी आपको लेनी है। तो मैंने इसके नाप से ली है ये। इसकी चौड़ाई भी हमने इतनी ही रखी जितनी चैन की पट्टी की रखी है, 3.5 इंच। और ये हमने दो पॉकेट कट करी हैं। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लेंथ है इसकी 10 इंच। इसमें हम चैन लगाएंगे और ये हमने स्ट्रैप कट करी है। ये मैंने 26 इंच की लंबाई है इस स्ट्रैप की जो मैंने कट करी है, ऐसे लेंथ आप देख सकते हैं, ऐसे 26 इंच की है। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच की, 3 इंच इसकी चौड़ाई। दो पट्टियाँ कट करी है हमने जिसकी हम स्ट्रैप बनाएंगे अपनी बैक की। एंड ये मैंने चैन ली है, एक चैन हम ऊपर लगाएंगे बैक में और दो हम पॉकेट में लगाएंगे। और ये मेरे पास कुछ लेस है जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बैक के दोनों पोर्शन ले लिए हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। सबसे पहले मैं इसमें जो पट्टियाँ मैंने कट करी हैं, थोड़ा सा मेरे पास लेस पड़ा था ये, तो मैं इसको ऐसे लगा दूँगी इस पर ताकि जो हमारी जोड़ है बैग की ये भी ना दिखे और हमारा बैग भी थोड़ा यूनिक लगे। तो इस पट्टी को मैं ऐसे करके लगा दूंगी इनमें, दोनों बैग में मैं ऐसे ही पट्टियां लगा दूंगी, एक ऐसे और ये ऐसे। तो पहले मैं इनको ऐसे सिलाई लगा लेती हूँ इन पे और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसे ऐसे पट्टी अटैच कर ली है सिलाई लगा के। अब हमें ये पॉकेट का अपना कपड़ा लेना है और चैन लेनी है, ऐसे निशान लगा के जहाँ पे हमें चैन लगानी है ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लेनी है एक अपनी चैन के हिसाब से। ये चैन मैंने जींस में से निकाली है, जींस की चैन है ये, और हमें ऐसे निशान लगाना है। अब इस लाइन को जो हमने लाइन स्ट्रेट करी है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे कट कर लिया है मैंने बिल्कुल सीधा
और यहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा दिए हैं, इस साइड भी हम ऐसे ही कट लगा देंगे हल्के हल्के से। ये देखिए, अब इसमें हम अपनी ऐसे चैन अटैच कर लेंगे सिलाई से, इसे अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ऐसे पक्का करके इसे ऊपर से हम ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इसमें, यहाँ पे भी और इस साइड भी। हमारी चैन इस टाइप से आ जाएगी, ये देखिए ऐसे करके। तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ अभी। देखिए ये मैंने इस पर चैन अटैच कर लिए कपड़े पे, सिंपली किनारे पे सिलाई लगा के इसमें। अब हमें ये जो हमने अस्तर कट किया था अपने बैग के नाप का बिल्कुल ही सेम, इसके ऊपर हमें इसे सिंपली ऐसे रखना है। एंड इसे ऐसे मोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है पूरे, इसको हमें तीनों साइड से मोड़ना है। नीचे से तो हम बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे ही, तो हमें ऐसे यहाँ पे मोड़ते हुए से सिलाई लगा देनी है। मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ पे, सिंपल इसके ऊपर कपड़ा रख के हमने ऐसे फोल्ड करते हुए तीनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें ये पोर्शन लेना है और अपने बैग का एक पोर्शन ऐसे लेना है, इसे ऐसे रख के साइडों में सिलाई लगा देनी है इस पर, ऐसे ऐसे और ऐसे। मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने दोनों पोर्शन पे अपने ऐसे अस्तर को लगा लिया और पॉकेट भी अटैच कर लिए, एक ये भाग है हमारा और एक ये, दोनों पे हमने ऐसे ही पॉकेट लगा ली है चैन वाली। अब हम इसे साइड में रख देंगे और ये जो हमारी चैन है, अपनी इस चैन को हम इस पट्टी पे अटैच करेंगे। इसे भी हमने चैन की लेंथ ले ली है पहले, इसमें निशान लगा लिया है हमने जितनी हमारी चैन है, और फिर उससे एक एक इंच और इधर नीचे निशान लगाया है। अब यहाँ हमने सेंटर पॉइंट लिया है बिल्कुल पट्टी का बीच का, और इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे यहाँ तक का, ऐसे कट का निशान लगाएंगे इसे, ऐसे कट कर लेंगे हम दोनों साइड से बराबर बराबर। ये देखिए मैंने इस पर सीधा कट लगा के ऐसे साइडों में ऐसे कट लगा दिया है इसमें। इसमें हम अपनी चैन को इतना इतना रखकर, स्पेस रखकर, इतना इतना हमें स्पेस रखना है, और इसे हम ऐसे लगा देंगे चैन को अपनी। ये देखिए ऐसे ये हमारी चैन ऐसे लग जाएगी इसमें। मैं अभी आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ ऐसे करके, ये देखिए ऐसे। देखिए गाइस हमने इसमें चैन लगा ली है इस पट्टी पे। अब हम इसकी स्ट्रैप तैयार करेंगे, पहले पट्टी तैयार करेंगे फिर इसकी चैन हम अटैच करेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे। तो चलिए मैं इसकी पहले पट्टी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए स्ट्रैप मैंने तैयार कर ली है अपनी। अब हमें एक पोर्शन लेना है बैक का, और यहाँ पे ऐसे इस साइड ऐसे हमें सिलाई से अटैच कर देना है। तो पहले मैं आपको ये यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अपनी स्ट्रैप को बैक पे ऐसे अटैच करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ऐसे स्ट्रैप लगा ली है, ऐसे ही मैंने दूसरे पोर्शन में भी लगा ली है, दोनों में लगा ली हमने ये स्ट्रैप ना अपने। अब हम ये चैन की अपनी पट्टी लेंगे जिसमें हमने चैन लगाई थी, और हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसे हम ऐसे रख के, देखिए ऐसे हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है ऐसे करके, जिससे हमारी पट्टी ऐसे जॉइंट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ, और इस साइड में दूसरा पोर्शन जोड़ लूँगी और इस साइड हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको भी सिलाई लगाती हूँ दिखाती हूँ। देखिए ये पट्टी मैंने बैक पे अपने ऐसे सील ली है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोड़ दिया है। अब हमें अपनी जो राउंड में ऐसे पट्टी घुमानी, ये वाली पट्टी लेनी है हमें, और इस पट्टी को हम ऐसे करके सील लेंगे यहाँ पे। पहले मैं आपको ऑलपिन लगा के दिखा देती हूँ ऐसे,
देखिए ऐसे ऑल पिन लगा लिए नहीं हमें, ऐसे यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है जहाँ मैंने ऑल पिन लगाई है, और फिर हमें इसे ऐसे इजली रख के चारों तरफ घुमा के सिलाई लगा देनी है इस पर। तो मैं आपको अभी इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ, ऐसे इस टाइप से। ये हमने इस पर ऐसे अटैच कर लिया पट्टी को, सिलाई लगा के चारों तरफ ऐसे घुमा लिया है हमने पट्टी को। अब हमें दूसरा पोर्शन लेना है जो इसकी स्ट्रैप ऐसे अंदर करके ऐसे इसको भी हमें ऐसे ही सिल लेना है, जैसे हमने वाला फर्स्ट पोर्शन सिला है ऐसे हमें इसको भी सिल लेना है सेकंड पोर्शन को। तो यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ घुमा के। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये पोर्शन था हमारे से जोड़ लिया, और मैंने यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लिए है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ, देखते हैं इसका लुक कैसा आया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पर्स को सीधा कर लिया है, एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्स बना है हमारा। काफ़ी स्पेस भी है इसके अंदर, आप अपना ज़रूरत का जो भी सामान है आराम से कैरी कर सकते हैं। अंदर पॉकेट भी दी है मैंने इसमें, एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्स बना है हमारा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।